और चर्च लाऊंगा, अफ्यून लाऊंगा, बंग लाऊंगा और जुआ लेकर आऊंगा, कतल लेकर आऊंगा, माल लेकर आऊंगा, सोना लेकर आऊंगा, चांदी लेकर आऊंगा। जब चारों तरफ से हमले होंगे तेरे तक कोई कोई जाएगा, ये बातिल है, बातिल सुन लो। फुतूहात से न कभी हक फैला है, न कभी बातिल फैला है, न तलवार से बातिल फैला है, न तलवार से हक फैला है। हक भी दावत से फैलता है और बातिल भी दावत से फैलता है। एक आवाज देने वाले ने आवाज लगाई, हक के दाई बातिल के दाई के लिए, बातिल के दाई के लिए पैसा जरूरी है, हुकूमत भी जरूरी है, ताकत भी जरूरी है, मकर फरेब भी जरूरी है। हक के दाई के लिए न हुकूमत जरूरी, न माल जरूरी, न ताकत जरूरी। हक के दाई के लिए ये जरूरी है कि वो हक पर कायम हो, वो हक पर कायम हो। एक यतीम पैदा हुआ, दूध पिलाने वालियों ने कहा हम नहीं पिलाती, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, सब रद्द करके जा चुकी हैं। हलीमा का भाग जागा है, वो भी रद्द करके चली गई, मैं नहीं लेती, मुझे पैसे कौन देगा। जब जाने लगे तो उनके खावन ने कहा खाली गोद जाना अच्छा नहीं लगता, या यतीम ही लेके आ जा। दोबारा आई हैं नेकी के लिए, न के पैसे के लिए। अच्छा आमिना दे दे, चलो यतीम ही सही, यतीम ही सही। हलीमा के भाग जागने थे, हलीमा के भाग जागने थे। जो ही गोद में लिया, दूध छातियों में खुश्क था, फव्वारा बन के उबलने लगा, उबलने लगा। लेने को तैयार कोई नहीं है। फिर 2-6 साल की उम्र में अल्लाह ने माँ को उठा लिया, 8 बरस की उम्र में दादे को उठा लिया, चाचे ने सीने से लगाया, बेटों से ज्यादा मोहब्बत देकर दिखाया, छांव बनकर दिखाया, साया बनकर दिखाया, अपने भतीजे पे कुर्बान हो गया चाचा। अय है पर माँ बाप बहन भाई इनमें से कुछ नहीं आपने देखा है। फिर उसी फकर के साथ अल्लाह ताला का ऐलान होता है, तुम फअंजिर वरब्बका फकब्बिर वथियाबका फतहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तकबिर वलिरब्बिका फसबिर। उठ जा, शैतान सरगर्म है, उठ जा, सुबह उठ, उठ जा। दावत देने वाले सोया नहीं करते, दावत देने वाले आराम नहीं करते। कुम कुम कलमा कुम में ये सारे मतलब छुपे हुए हैं। उठो उठो तेरे, उठो सोने का वक्त नहीं है, उठो आराम का वक्त नहीं है, उठो कारोबार का वक्त नहीं है, उठो तजारत का वक्त नहीं है, उठो ज़राअत का वक्त नहीं है, उठो बिल्डिंग बनाने का वक्त नहीं है, उठो गाड़ियों से खेलने का वक्त नहीं है। कुम कुम, जब तो मेरे नबी ने कहा था, जब ये आयत उतरी तो आपने फरमाया खदीजा मेरा बिस्तर उठा दे, मेरे आराम के दिन चले गए, मेरे आराम के दिन चले गए। मेरे रब ने मुझे कहा है मैं दावत दूं, मैं लोगों को बुलाऊं, मैं इस दुख में हूं, मेरी कौन सुनेगा, मैं किससे बुलाऊं। मन अदरो मन यस्तजीब, किसे सुनाऊं, कौन सुनेगा। हजरत खदीजा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप पहल करें दावत देने में, मैं लब्बैक कहती हूं कबूल करने में, मैं पहल करती हूं। कुम कुम, हक की दावत, हक भी दावत से फैलता है, हक भी ताकत से नहीं, जंग तलवार से नहीं, एटम से नहीं, दावत से, दावत से। दावत देने वाले जब सर फिरे होंगे, जिनों के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, जुनू के शहर में सर बेचते थे मुफ्त दीवाने, अदा करने यही खुश रस्म हम बाजार में आए। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। खेलने के दिन नहीं है, हर मिनट में लाखों इंसान बगैर चलने के मर रहे हैं, हर मिनट में लाखों मुसलमान शराब पीते मर रहे हैं, जिना करते मर रहे हैं, कत्ल करते मर रहे हैं, जुए खेलते मर रहे हैं, सूद खाते मर रहे हैं, माँ बाप को जलील करते हुए मौत उनको पकड़ रही है, आग लगी हुई है, आग आग
जब लग जाए तो जहाँ नहीं लगी होती वो भी बाल्टियाँ लेके आ जाते हैं। पहले आग बुझा लो, पीछे कारोबार करने। आग लग गई है जिना की, कुफर की, शिर्क की, शराब की, जुए की, जुल्म सितम की, गद्दारी की, बेवफाई की, जफा की, खोट की, खयानत की। आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। अगर मैंने ना बुझाई तो मेरा घर भी जलेगा, मैंने ना बुझाया तो मेरा घर भी जलेगा। हक दावत से फैलता है, बातिल दावत से फैलता है। ये दाई खड़ा हो रहा है और सफा पहाड़ी पर है, इसके साथ फौज नहीं, ताकत नहीं, लश्कर नहीं, अपना खानदान तक इसके साथ नहीं। ये कहता है या आल गालिब, या आल फहर, या आल लुवै इब्न गालिब। आए हाय, आप पहाड़ी पे खड़े हो रहे हैं, ऐलान फरमा रहे हैं, या आल हाशिम, या आल बनी अब्दुल मुत्तलिब, या आल बनी अब्दुद्दार, या आल नौफल, या आल फुलां, या आल फुलां। कबीला बनो अब्दुद्दार कहाँ है, बनो नौफल कहाँ है।